जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। दलित समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में घिरे क्रिकेटर युवराज सिंह पर हरियाणा पुलिस ने जो मेहरबानी दिखाई थी, अब उसका उल्टा असर हरियाणा पुलिस पर ही हो रहा है। हरियाणा की हाथरस पुलिस ने युवराज सिंह पर औपचारिक केस दर्ज नहीं किया था, लेकिन अब उन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ ही SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस के 3 सीनियर अफसर्स के खिलाफ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 4 के तहत जांच करने के आदेश दिए गए हैं। हिसार की स्पेशल SC ST कोर्ट के एडिशनल सेशन जज वेदपाल सिरोही ने शिकायतकर्ता और वकील रजत कलसन की याचिका पर इस केस में जांच अधिकारी रहे DSP विनोद शंकर, रोहतास सिहाग और हाँसी शहर के तत्कालीन प्रभारी जसवीर सिंह के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 4 के तहत जांच करने के आदेश दिए हैं। क्या कहती है SC ST एक्ट की धारा 4? दरअसल SC ST एक्ट की इस धारा के तहत किसी लोक सेवक जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उसके द्वारा अपने कर्तव्यों की अनदेखी किए जाने पर 6 महीने से लेकर पूरे 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी किसी जांच अधिकारी ने जानबूझकर जांच सही से नहीं की या लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर इन तीनों पुलिस अफसरों पर आरोप साबित हुए तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इस पूरे केस को भी समझिए। दरअसल पिछले साल 1 जून को क्रिकेटर युवराज सिंह अपने साथी क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और युजवेंद्र चहल के साथ लाइव चैट कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने युजवेंद्र चहल के लिए ऐसे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जो दलित समाज के लिए अपमानजनक थे। इसी के आधार पर नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने 2 जून को हाथरस पुलिस से शिकायत की कि युवराज सिंह के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हाथरस पुलिस ने ना केस दर्ज किया और ना ही गिरफ्तारी की। उल्टे बिना केस दर्ज किए इन तीनों अफसरों पर प्रारंभिक जाँच करने का आरोप है, इसलिए अब SC ST कोर्ट ने इनके खिलाफ जाँच करने के आदेश दिए हैं। युवराज सिंह ने विवाद बढ़ने के बाद माफी मांग ली थी, लेकिन अब SC ST स्पेशल कोर्ट की सख्ती देखकर लगता है कि युवराज सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आप भी आम बोलचाल में सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, अपने यार दोस्तों से बात करते वक्त उन्हें जाति सूचक शब्दों से ना बुलाएं और जातिवादी ताने ना मारें, वरना आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा करना कानूनन अपराध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करें। इसके अलावा आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी पर हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं हूँ सुमित चौहान और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत।